नमस्कार दोस्तों, आइए आज मैं आपको मसाला डोसा बनाना सिखाती हूँ और देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले डोसा का घोल चाहिए। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, अभी कुछ दिन पहले ही डाला है। चाहिए आवश्यकता अनुसार पानी, रिफाइंड ऑयल। और दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने प्याज को ऐसे क्यों लगा कर रखा है, तो ये मैं लोहे के तवे पर बनाऊँगी तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप जो कुकिंग ऑयल खाते हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो कुकिंग ऑयल। और मसाला बनाने के लिए चाहिए आलू, और तड़के के लिए चाहिए राई, ये सरसों, प्याज, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, हींग आप डालें या ना डालें ये आपके ऊपर है, मैं डालती हूँ। लाल मिर्च आधा चम्मच के लगभग, और एक चौथाई के लगभग हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। नमक मेरे आलू में भी जाएंगे और इस घोल में भी चाहिए। जितना मुझे बनाना है, दो या तीन, मैं उतना ही घोल लूँगी और नमक मिलाऊँगी। बिना नमक मिलाए मैंने ये घोल बना के रखा था। इसकी रेसिपी है, आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम बनाना मसाला। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसमें सबसे पहले मैं राई डालूँगी, और दोस्तों मैं भूल गई थी बताना, इस टाइम मैं इसमें एक चम्मच सॉरी चना दाल और उड़द दाल डालूंगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक चम्मच के लगभग चना दाल है और उड़द दाल, तो इनको भी मैं तड़के में डालूंगी और इनको थोड़ी देर चलाएंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें कड़ी पत्ता, मिर्च और सभी चीज़ डाल देंगे। कड़ी पत्ता डालते हैं ध्यान से दोस्तों, क्योंकि बहुत पानी होता है इसमें। और अब हम नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, तो चलिए डाल लेते हैं हम इसमें सभी मसाले। और इसे कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा ये हो चुका है। और अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, और इसे मीडियम आंच पे इसको थोड़ा भूनेंगे। तो चलिए इसे भून लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा प्याज हो गया। इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस इसे पकाना है। और अब इसमें मैश किए हुए आलू डालेंगे। मैं हाथों से मैश करके मैंने डाल रही, इसमें मैशर की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, इसमें हाथों से मैश करके डाला जाता है। और इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से मैं तवे पे भी और नॉन स्टिक में ही बनाऊँगी। बहुत लोग कहते हैं कि हमें लोहे के तवे पे अच्छा नहीं बनता है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। तो चलिए इसे मिला के भून लेते हैं कुछ सेकंड ढक कर। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा आलू हो गया। और अब मैं इसे उतारती हूँ और इसकी जगह रखती हूँ नॉन स्टिक तवा। आप अच्छे कंपनी का लीजिएगा तवा, नॉन स्टिक, तो आपका डोसा नहीं चिपकेगा और बिना तेल के ही बनेगा। तो चलिए हम तवा रखते हैं, फिर मैं आपको लोहे के कढ़ाई में लोहे के तवे पे ही बनाऊँगी और सिखाऊँगी कैसे बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने थोड़ा पानी डाल के इसको घोल लिया, नमक स्वाद अनुसार डाल रही हूँ। नमक आपके ऊपर होता है दोस्तों, आप कितना खाते हैं। और इसको अच्छी तरह मिला लीजिए। मैं हमेशा बना के रखती हूँ घोल, मैंने पहले ही बोला था और आज भी बोल रही हूँ। ये देखिए घोल की थिकनेस, और ये देखिए जो मैंने बना के रखा है इसकी थिकनेस ही काफ़ी थिक है। इससे इडली और उत्पम जैसे चीज़ें बनती हैं जिसमें कम पानी लगता है, और ये डोसा। तो चलिए, जब तक मैं आपसे बातें कर रही थी मैंने इधर नॉन स्टिक तवा भी रख दिया, और इस पर कोई तेल वेल नहीं है, ये देखिए। और ये बहुत अच्छा होता है। पहले मैं बहुत तेज़ आंच रखती हूँ, फिर मैं इसको मीडियम या कम कर देती हूँ बिल्कुल। तो चलिए हम इस पे डालते हैं घोल। चलिए दोस्तों, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया, और मैं करछी के पीछे से इस हिस्से से मैं इसको, डरिएगा मत दोस्तों, ख़राब होता है। बहुत से लोगों का डर है कि हम फैला नहीं पाते, तो डर जो होता है हमारा वो इसे नहीं फैलाने देता हमें। ये देखिए,
इस तरीके से फैलाइए। और मैंने आँच बिल्कुल कम कर दिया था, पहले तेज़ था, और मैं तेल नहीं डालूंगी, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, फैलाइए। ये नॉन स्टिक है, इसमें कोई डर लगने का या जलने का है कोई डर नहीं होता। ये देखिए दोस्तों, नॉन स्टिक में बनाने का हमारा फ़ायदा, मैंने कुछ नहीं किया, तेल भी नहीं डाला, और ये अपने आप किनारे, ये देखिए पीछे से कितना अच्छा हो गया। और अब मैं हल्का सा अगर तेल खाती हैं तो डालिए, बढ़ना ज़रूरत नहीं है, अगर खाती हैं तो आप इस टाइम तेल डाल सकती हैं। और अब मैं इस पर लगाती हूँ मसाला, आँच को करती हूँ कम। पहले आपको याद होगा मैंने आँच तेज रखा था घोल को बिछाने से पहले, और फिर मैंने आँच को बिल्कुल किया कम। अगर आप नहीं संभाल पाती हैं तो आप इसको तवे को नीचे उतार लीजिए। तो ये देखिए, इसके ऊपर आपके ऊपर है, आप कितना आलू इसमें खाना चाहती हैं, यानी मसाला, उसके हिसाब से आप। ये देखिए, ये दोस्तों ये है निशानी हमारे डोसा होने की, कि हाँ हमारा डोसा हो चुका। और ये देखिए नॉन स्टिक में करारा भी होता है दोस्तों, ये नहीं कि नहीं होता, ये देखिए कितना अच्छा बन गया। तो अब मैं इसे हटाती हूँ, और अब मैं रखती हूँ इसके ऊपर लोहे का तवा। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने तवा का, लोहे का तवा रख दिया है, और मैंने अब इसके ऊपर तेल लगाना है। और ये जो मैं रेगुलर यूज करती हूँ, जिस पे मैं पराठे बनाती हूँ बच्चों के लिए, ये वो तवा है। तो ये देखिए मैंने तेल लगा दिया है, ये भी गर्म हो गया है, सेम वही प्रोसेस है। पहले मैं गर्म रखती हूँ बहुत तेज आँच पे, और फिर मैं इसको कम कर देती हूँ। तो दोस्तों आपने देखा था कि मैंने प्याज रखा था वो किस लिए, तो इसको हल्के से तेल में हम डुबोएंगे, और तवे पे अच्छी तरह इसको हम रगड़ेंगे। ये हमारे तवे को नॉनस्टिक बनाता है प्याज, और करारा होने में भी मदद करता है। ये देखिए इस तरह, अगर हाथ से करते हैं तो हमारा हाथ जलने का डर रहता, तो मैं हमेशा इस तरह से किसी भी फोक को प्याज, आधे प्याज में काट के लगा देती हूँ। देखिए आधा प्याज है, और इस तरह से इसको रगड़ेंगे, और इस पे आप डालेंगे पानी का छींटा। तो चलिए डालते हैं पानी का छींटा, आँच करते हैं कम। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, वरना तवे जो लोहे की तवा होती है उससे आपका चिपकने का डर होता है। तो इस तरीके से मैं इसको कर लेती हूँ, और आँच कम किया है, और मैं इस पर घोल डालती हूँ, और फिर देखते हैं कि तवे पे कैसे बनता है। आँच कम है दोस्तों, और इसको इसी तरह फैलाना है, डरना नहीं है, थोड़ा लोहे का तवा है, थोड़ा फैलाने में दिक्कत होता है, कोई बात नहीं दोस्तों, एक खराब होगा, दो खराब होगा, पर जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपसे बनेगा नहीं। जब मैंने सीखा था, मेरी फ्रेंड थी साउथ इंडियन, उन्होंने सिखाया था, तो मुझसे भी बहुत गलतियां होती। तो चलिए अभी से हम छोड़ देते हैं, और अब आज मैं करती हूँ मीडियम से थोड़ा तेज। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा हो रहा है, और यहाँ पे लोहे का है, तो मुझे इसमें थोड़ा तेल बीच में लगाना पड़ेगा, और कुछ तेल मुझे साइड में भी डालने पड़ेंगे, क्योंकि लोहे का है तो थोड़ा तेल इसमें चाहिए, वरना किनारे छोड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो ये देखिए दोस्तों, ज़्यादा तेल नहीं, और बीच में डालिए ताकि जो बुलबुले उठे हैं उसके अंदर से वो बीच में भी चला जाए। और ये देखिए दोस्तों, ये अपने आप किनारे छोड़ने लगा। ये होने का निशान ही है कि अगर ये ब्राउन होने लगे या बीच में ब्राउन होने लगे तो समझिए कि आपका डोसा हो गया। और पहले तेल मत लगाइएगा, वरना आपका डोसा है वो करारा नहीं होगा। जब ये ब्राउन होना होता है तभी लगाइएगा। तो मैंने इस पर मसाला लगा दिया दोस्तों, और अब मैं इसे पलटती हूँ, और ये हमारा तैयार है, ये देखिए। और इस तरफ से भी देखिए अच्छी तरह बन चुके हैं। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं एक बना चुकी हूँ, दूसरा भी बता दूँ, एक बार ध्यान से देख लीजिए दोबारा से, जितनी बार हम बनाएंगे उतनी बार ये प्रोसेस दोहराएंगे। प्याज में तेल लगा के अच्छी तरह रगड़ना है ध्यान से दोस्तों, और फिर पानी का छींटा मारना है। अगर आप नैपकिन से नहीं कर सकती तो आपके पास कोई पुराना कपड़ा होगा तो आप उसको यूज करिए, और पानी को अच्छी तरह से पोंछ दीजिए। और फिर से मैं इस पर घोल डालूंगी और इसको फैलाऊंगी।
चलिए दोस्तों इसे हो जाने देते हैं। ये देखिए दोस्तों ये हमारा ब्राउन होने लगा है, तो अब आप चाहे तो इसमें तेल थोड़ा सा लगा लीजिए चारों तरफ, ताकि हमारे बीच में और किनारे पे, ताकि हमारा आसानी से ये जो है डोसा वो छूट जाए तवे से। और अब मैं इस पर मसाला लगाती हूँ और ये हमारा तैयार है सर्व करने के लिए। आप कम ज़्यादा या आपके ऊपर है दोस्तों कि आप कम खाते हैं आलू या ज़्यादा, वो लगाइएगा। ये देखिए किनारे छोड़ने लगा और कोई दिक्कत नहीं हो रहा। ये देखिए अभी करारा भी हुआ क्योंकि तेल मैंने बाद में लगाया। अगर मैं तेल उसी टाइम लगा देती तो ये करारा नहीं बनता दोस्तों, याद रखिएगा ये ट्रिक है करारा करने के लिए। तो ये देखिए ये हमारा कितना करारा हो चुका है, तो अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो चलिए तो ये देखिए दोस्तों हमारा तैयार है नॉन स्टिक और लोहे के तवे पे डोसा। ये है नॉन स्टिक में और ये है लोहे पे। तो देखा आपने चिपकानी जो प्रोसेस मैंने बताया लोहे के तवे पे। और ये है हमारा टमाटर और प्याज का चटनी और ये है मेरा नारियल का चटनी। आने वाले वीडियो में मैं इन दोनों का ही रेसिपी दूंगी आपको। तो ये मेरा तरीका था डोसा बनाने का। बनाइए खाइए अपने दोस्तों को खिलाइए मेरे तरीके से। आपका तरीका है तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।